पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी से आई दो तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। एक वीडियो में कश्मीरी लड़के सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर रहे हैं तो दूसरे वीडियो में सेना की जीप पर बंधा पत्थरबाज दिख रहा है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें अमन चैन का संदेश है। अमन चैन और उम्मीद से भरा वीडियो है ये। इस वीडियो में कुछ कश्मीरी नौजवान ह्यूमन चेन बनाकर सेना के जवान की मदद कर रहे हैं। ये वीडियो 9 अप्रैल को बड़गाम में हुए चुनाव वाले दिन का है। इसी दिन कुछ पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ के जवानों पर जो हमला किया था वो सुर्खियों में छाया हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सीआरपीएफ पर हमला करने वाले कश्मीरी गुंडों को अपना समर्थन दिया है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने तो इस वीडियो के जवाब में एक दूसरा वीडियो ट्वीट किया है जिसमें सेना की जीप के बोनट पर एक पत्थरबाज बंधा हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि ये वीडियो 9 अप्रैल का श्रीनगर के बडगाम का है। उस दिन श्रीनगर में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा था और उसी दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर चुनाव अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान फंस गए थे जिनकी मदद के लिए सेना ने टुकड़ी भेजी थी। जानकारी के मुताबिक सेना की क्यूआरटी टुकड़ी जब वहां पर पहुंची तो देखा कि करीब 400 से 500 लोगों की भीड़ हाथ में लाठी डंडे और पत्थर लेकर उपद्रव कर रही है। सेना की टुकड़ी के कंपनी कमांडर जो कि मेजर रैंक के अधिकारी थे उन्होंने भीड़ में से ही एक उपद्रवी को पकड़ा और अपनी जीप की बोनट के आगे बांध दिया ताकि वहां से पोलिंग अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान और उनकी क्यूआरटी टुकड़ी वहां से सुरक्षित निकल जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।